काफी सहजता है। और सच तो यह है, यदि ये माता ना होती तो धरती अंबर आकाश क्षेत्र कुछ भी नहीं होता। इस सृष्टि को जो एक ताकत देती है वो प्रकृति है। प्रकृति स्त्रीलिंग है, वो मातृशक्ति ही तो है। इसके बिना घर उजड़ा सा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ कि माताओं से आप लड़ा मत करें, इनसे न लड़ें, इनसे पुरखे बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बात और मैं निवेदन करूँगा, जो मैंने ताजी ताजी पढ़ी और पहली बार मैं बोल रहा हूँ, वो ये है कि रक्षाबंधन के समय पर जो बहनें अपने पियर गई हैं वो 17 तारीख से पहले अपनी ससुराल आ जाएं, क्योंकि बहुओं को घर में देख करके पितर अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए पुरखे भारी खुश होते हैं। श्राद्ध पक्ष में बहुओं का ससुराल में होना जरूरी है, श्राद्ध पक्ष में पियर में होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जो रक्षाबंधन के समय पर गई हैं, भाभी का घर उन्हें इतना अच्छा लग गया है कि अभी भी घेवर चल ही रहा है, अभी वहां से चिगने का नाम नहीं ले रही हैं, चलने का नाम नहीं ले रही हैं, तो 17 तारीख से श्राद्ध लग रहे हैं, तो 17 तारीख से पहले अपनी ससुराल पहुंच जाए। इसलिए किस लिए कि जब घर की बहुएं अपनी ससुराल में होती हैं तो उन्हें देख देख करके उनके पितर उनके पुरखे अति प्रसन्न होते हैं, भारी प्रसन्न होते हैं। मातृशक्ति की तो महिमा ही बड़ी अद्भुत है। पूर्वज तो इसके हाथ की कढ़ाई का इंतजार करते हैं कि घर की बहू कढ़ाई चढ़ाए। श्राद्ध आ रहे हैं 17 तारीख से, रोज श्राद्ध कीजिए और घर की बहुओं से कराइए। आप भले ही गया जी तर्पण करके आ गए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप पूर्वजों को भूल के आ गए। प्राय एक ऐसी मनसा चल गई है कि गया जी जा करके अब श्राद्ध करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्राय ऐसा ही बोला जाता है। यदि ऐसा होगा तो आने वाले समय में ये बहुएं सीखेंगी कैसे। एक बात, इस बात को फिर मैं रिपीट करूंगा, आजकल मैं श्राद्ध के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी महिमा है। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो हम ब्राह्मण को जमा देते हैं, विज्ञान अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है। विज्ञान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि यहाँ से दें और वहाँ पहुँच जाए। कितना भी विज्ञान ने उत्कर्ष प्रोग्रेस की हो, लेकिन अभी विज्ञान वहाँ तक पहुँचा नहीं है कि यहाँ दे दे कोई चीज और वहाँ उनके पास पहुँच जाए। ना कोई ऐसा यंत्र है, ना कोई ऐसी मशीनरी है, ना कोई ऐसा सूत्र है कि यहाँ दिया और वहाँ पहुँच जाए। लेकिन ये महाविज्ञान जो हमारा अध्यात्म है, ये 100% सही है। यहाँ ब्राह्मण के मुख में आहुति डाल दो, यज्ञ में आहुति डाल दो, तत्काल देवताओं के पास और पूर्वजों के पास तत्काल प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। यह महाविज्ञान है, यह अध्यात्म है। वैसे इस बात की चर्चा, मेरा एक दिन का कार्यक्रम दिल्ली में है 16 तारीख को, उसमें मुझे श्राद्ध के ऊपर ही बोलना है। तो अभी अभी मैंने ये बात कही है कि श्राद्ध के समय पर बहुएं अपने पियर में होती हैं तो पितर लोग दुखित होते हैं, उनके आंख में आंसू होते हैं। वो चाहते हैं कि बहू इस समय घर में ही होती, उसके द्वारा चढ़ाई गई कढ़ाई वह ब्राह्मणों को जमाती, उससे हमें तृप्ति होती, उससे हमें तृप्ति मिलती। वायु पुराण में इस सिद्धांत का बहुत भारी इसका वर्णन किया गया।